Hello students, I am your maths teacher. Today we will discuss about class 9 NCERT lesson linear equation in two variable. This is also a part 8 video. In this video we will discuss about exercise 4.2 question number 3. So see the question. Check which of the following are solution of the equations x minus 2y is equal to 4 and which are not. मतलब हमको क्या देकर है आपको चेक करके बताना है ये यहाँ पर ये जो पॉइंट्स देकर है 0 2 2 0 4 0 root 2 4 root 2 1 1 तो यहाँ पर ही आपको गिवन इक्वेशन देकर है इक्वेशन देखो ये वाला इक्वेशन ये इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू पुट अप करना है ये क्या है x एंड y की वैल्यू पुट अप करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है ये मींस क्या होगा आपका वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर नॉट इक्वल मींस क्या होगा वो आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नहीं होगा सो चेक करेंगे अब यहाँ पर ध्यान में रखो अरे टर्म्स में ये आपके क्या रहते हैं ये आपका एक्स रहता है ये वाई रहता है ओके ये एक्स रहता है ये वाई रहता है ये आपका एक्स है ये आपका वाई है ये आपका एक्स है ये वाई ये x और ये y और ये ही वैल्यू उनके मतलब ध्यान में रखना फर्स्ट आपका x सेकंड आपका y रहता है तो ये आपको सॉल्यूशन आपके मतलब इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करके चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल आर नहीं अगर नहीं आ रहे तो वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं है सो देखेंगे वन बाय वन अब पहले इसमें देखो हमारा क्या है x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर सो पहले इसमें देखो जीरो एंड टू वैल्यू x की वैल्यू कितना है जीरो तो हम x की जगह क्या डालेंगे जीरो डालेंगे ओके एक्स की जगह जीरो डालेंगे माइनस टू इन टू वाई की जगह कितना है टू है तो टू डालेंगे इज इक्वल टू फोर ओके अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा ये जीरो माइनस टू इन टू टू फोर माइनस फोर इज इक्वल टू फोर मतलब लास्ट आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर माइनस फोर इज इक्वल टू मतलब इज नॉट इक्वल टू फोर ओके इक्वल है क्या यहाँ पर नहीं है वैल्यू पुट अप करने के बाद मतलब यहाँ पर आप वैल्यू डालने के बाद आंसर आ रहा है माइनस फोर आ रहा है फोर आ रहा है ओके मींस क्या है ये नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है क्या ये नहीं देयरफॉर इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आप इसको लिख सकते हैं इट इज लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से लिखो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड ओके सो देयरफॉर इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है क्या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं है सिमिलरली अब सेकंड सॉल्व करते हैं देखो सेकंड में आता है कि नहीं आता है सेकंड में क्या देकर है टू एंड जीरो मतलब एक्स की वैल्यू क्या है टू पुट अप करना है ये टू माइनस टू इंटू वाई की वैल्यू कितना है जीरो है तो जीरो पुट अप कर लो इज इक्वल टू कितना फोर नाउ देखो यहाँ पर क्या आएगा टू माइनस टू इंटू जीरो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू टू यहाँ पर टू इंटू जीरो तो आंसर क्या आएगा ये यहाँ पर ये देखो टू माइनस टू इंटू जीरो मीन जीरो तो टू माइनस जीरो इज इक्वल टू सॉरी ये आपका फोर है ओके सो टू इज नॉट इक्वल टू टू माइनस जीरो मीन टू टू इज नॉट इक्वल टू फोर तो आंसर ये क्या आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड ओके सो देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट देयरफॉर इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये भी आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है क्या नहीं है ओके अब सिमिलरली यहाँ पर आप सिमिलरली यहाँ पर देखो थर्ड में क्या है फोर एंड जीरो है तो यही वैल्यू डाल के देखेंगे थर्ड में क्या है यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितना है फोर है ओके सो फोर माइनस टू इंटू वाई की वैल्यू कितना है यहाँ पर जीरो जीरो इज इक्वल टू फोर सो यहाँ पर इसको सॉल्व करो फोर माइनस टू इंटू जीरो जीरो इज इक्वल टू फोर फोर माइनस जीरो मीन्स फोर इज इक्वल टू फोर मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है मीन्स क्या होगा ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें यहाँ पर मिल गई है
मीन्स क्या होगा, देयरफॉर इट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, देयरफॉर इट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। नाउ फोर्थ देखते हैं, देखो फोर्थ में क्या देखा है, रूट टू और ये फोर रूट टू, ओके। सो यहां पर देखो एक्स की जगह क्या आएगा, रूट टू आएगा, ओके। तो ये क्या है, रूट टू माइनस टू इंटू वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, फोर रूट टू ओके इज इक्वल टू, राइट साइड क्या है हमारा, फोर है। नाउ इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा यहाँ पर, रूट टू माइनस फोर इंटू टू एट, रूट टू इज इक्वल टू फोर। अब यहाँ पर देखो टू इंटू फोर एट, रूट टू है इज इक्वल टू ये फोर। अब यहाँ पर देखो रूट टू है और ये एट है, सो एट इसके सामने क्या रहेगा, वन रहेगा, तो एट माइनस वन कितना रहेगा, सेवन रहेगा। बट साइन कौन से टर्म्स की रहेंगी, निगेटिव, मतलब बड़े टर्म्स की। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, मीन्स वन है, क्योंकि यहाँ पर रूट टू दोनों रूट टू है, ओके। तो माइनस एट रूट टू और वन रूट टू कितना मिलेगा आपको यहाँ पर, माइनस सेवन रूट टू, क्योंकि एट में से वन ले सेवन रहेगा, ओके। और बड़े टर्म्स की साइन क्या है, ये बड़ा टर्म्स ये एट है, तो माइनस साइन है तो माइनस रहेगा, और इनको ले गया फोर को नहीं, सो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। सो देयरफॉर इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देयरफॉर इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये भी आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है क्या, नहीं है। नाउ अब इसका लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में क्या देख रहे, वन वन देख रहे, ओके। तो इक्वेशन में डाल के देखते हैं, एक्स की वैल्यू कितना रहेगी यहाँ पर, वन माइनस टू इंटू वाई की वैल्यू कितना रहेगा, वन इज इक्वल टू फोर। तो इसको सॉल्व करो, ये क्या, वन माइनस टू इंटू वन टू इज इक्वल टू फोर, ओके। सो वन माइनस टू में से, टू में से वन गया वन, बड़े टर्म्स की साइन कौन सी है, माइनस, तो माइनस वन इज नॉट इक्वल टू फोर, इक्वल है क्या, नहीं। सो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट अ, देयरफॉर इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है क्या, ये भी आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं है, ओके। सो टोटल फाइव में से हमको कौन सा, ओनली ये वन, ये थर्ड वाला हमें यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मिला है यहाँ पर। सो हमको पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या है, ओनली ये वाला सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, थर्ड वाला सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मिला है, बाकी कोई भी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करके बताना है विच आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और एक बात ध्यान में रखना है कि ये xy वैल्यूज रहेंगी, ओके। तो यही वैल्यू आपको गिवन इक्वेशन में पुट अप करके चेक करके देखना है, ओके। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।